YouTube चैनल आज हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दी बंगाल नवाब के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिराज उद दौला जो कि 1756 से 1757 के बीच में अली बंगाल के नवाब रहे एंड जो कि ग्रैंड सन ऑफ अली वर्दी खां के थे। अली वर्दी खां के पोता यानी सिराज उद दौला एंड सीज्ड यानी इन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार पे सीज कर दिया। एंड इसके अलावा ऑन मैनली 2 जनवरी 1757 ट्रीटी ऑफ अली नगर वाज साइन इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराज उद दौला के बीच यहाँ पे ये ट्रीटी साइन की गई। एंड ब्रिटिशर्स देन कैप्चर्ड चंदर नागौर द फ्रेंच सेटलमेंट इन मार्च 1757 में, यानी अंग्रेजों ने चंदर नागौर को भी कैप्चर्ड कर लिया। एंड इसके बाद 23 जून 1757 यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन सिराज उद दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव मैंडी। इस पर्टिकुलर युद्ध में सिराज उद दौला हार जाते हैं, यहीं से फिर ब्रिटिशर्स की शुरुआत होती है। इसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने नेक्स्ट बंगाल ऑफ नवाब मीर जाफर को किया अपॉइंट किया जो कि 1757 से 1760 के बीच रहे एंड 8th नवाब आफ्टर सिराज उद दौला यानी 8वें नवाब बंगाल के थे। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लोर्ड यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सपांसन यानी इन्हीं के शासनकाल में सिराज मीर जाफर जिसे कि सियार भी कहते हैं मैंने इसके ही शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमाया और धीरे धीरे पूरी इंडिया में एक्सपांड करते रहे। इन 1759-1760 बैटल ऑफ बेदाराबाद फाउट बिटवीन इंग्लिश एंड डच और इस युद्ध में डच हार गए। इससे धीरे धीरे अंग्रेजों की पावर बढ़ती गई। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बंगाल ऑफ नवाब मीर कासिम को अपॉइंट किया गया जो कि 1760 से 1764 के बीच मैंने ये सन इन लॉ यानी दामाद था मीर जाफर का। एंड ही सीडेड दीवानी राइट ऑफ 3 more परगनास मैनली दीज आर बुर्दबान मिदनापुर एंड चितगांव। एंड इसके अलावा इसने ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाने दिया, इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया मुर्शिदाबाद टू मुंगेर यानी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया। एंड मीर कासिम सून रिवोल्टेड as he was angry with the British for misusing any ब्रिटिशर्स धीरे धीरे किलेबंदी कर रहे थे इससे। एंड जो कि दस्तक का भी फ्री ड्यूटी पास जो कि होता है उसका भी फ़ायदा उठा रहे थे ब्रिटिशर्स यहाँ पे, इसलिए उसने रिवोल्ट किया मैनली मीर कासिम ने। एंड इसके बाद 1764 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सुजा उद दौला अवध रूलर थे, शाह आलम सेकंड मुगल रूलर एंड मीर कासिम इन तीनों ने मिलके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो के बीच बैटल ऑफ बक्सर यानी 22 अक्टूबर 1764 बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सुजा उद दौला शाह आलम सेकंड मीर कासिम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादातर एग्जामों में पूछ लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बक्सर 1764 22 अक्टूबर 1764 को मैंने लड़ा गया सुजा उद दौला शाह आलम सेकंड मीर कासिम वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो। एंड इसके बाद अगले नवाब ऑफ बंगाल मैनली निज़ाम उद दौला मैली 1765 से 1772 के बीच इन्होंने शासन किया एंड ये सन ऑफ मीर जाफर यानी मीर जाफर के पुत्र थे। रॉबर्ट क्लाइव कंक्लूडेड 2 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765 विद सुजा उद दौला इन शाह आलम सेकेंड एंड इंक्वायर्ड दीवानी राइट ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा के दीवानी राइट भी ले लिए। एंड इसके अलावा डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्टेड इन बंगाल मैनी बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्टेड इन बंगाल। एंड इसके बाद यहाँ पे इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉय के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए